टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारियां पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल संग्रह को। इसको आप स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक बेल आइकॉन आएगा, उसको क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल संग्रह। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कि प्लेटिना बाइक में जो एक्सीलेटर के पास ब्लू कलर का बटन होता है उसका वर्क क्या होता है। एक्चुअली मैं इसके लिए पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उस बटन को मैं निकाल करके वहाँ पर बाइक को ऑन और ऑफ करने का स्विच लगाया था। तो उस वाले मेरे वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया है कि जो पहले से बटन लगा रहता है उसका वर्क क्या होता है, उसको क्यों निकालें या फिर उसको निकालने से हमारे बाइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि उस बटन को निकालने से आपके बाइक में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा प्लेटिना बाइक। और इसमें मैं इस बटन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये ब्लू कलर का बटन है, राइट साइड में होता है एक्सीलेटर के पास। तो कई लोगों ने मुझसे कमेंट पे पूछा है कि इस बटन का वर्क क्या होता है बताइए करके, तो इसी को समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें क्या है, इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगा ये वर्क कैसे करता है। इसका वर्क सिर्फ इतना होता है दोस्तों, जैसे स्विच ऑन रहता है तो एक्सीलेटर को पूरा घूमने से रोकता है थोड़ा सा, जैसे पूरा घूमने से रोकता है या फिर थोड़ा सा टाइट करके रखता है। जैसे ऑफ रहता है तो एक्सीलेटर थोड़ा सा ज़्यादा घूमता है। ये कैसे काम करता है इसी को ओपन करके दिखाता हूँ। चलिए इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, ये बटन है। इसमें क्या होता है, इसको जैसे बटन को मैं क्लिक करता हूँ, ये देख पा रहे होंगे अंदर में जो होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला अंदर में ये वाला घूमता है। ये देख लीजिए, इसी तरीके से ये एक्सीलेटर का ये वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ पर जो खंड बना रहता है, इस तरीके से कट बना रहता है, तो वो बटन का स्विच जो है यहाँ पर आकर के रुकता है। और ये बटन जो है, स्विच जो है, इसमें स्प्रिंग लगा होता है जिसके कारण से ये और दबता है। तो इसको मैं इसको और ओपन करके मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से ये स्विच काम करता है। ये देख लीजिए, इस तरीके से ये घूमता है जिसके कारण से एक्सीलेटर को पूरी तरीके से घूमने से रोकता है या फिर उसको टाइट करके रखता है। इसको बटन को मैं पूरा ऑन यानी पूरा ओपन करके दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये स्विच जो है, कोई भी वायरिंग नहीं रहता है इसमें, ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच नहीं होता है, ये फिजिकली तरीके से वर्क करता है। अब देख पा रहे होंगे इसी तरीके से स्विच होता है। इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये स्प्रिंग का बना होता है, ये भी दबता है। ये देख लीजिए, ये भी प्रेस होता है, ये देख पा रहे होंगे आप। और उसके बाद ये स्विच इसी तरीके से काम करता है, जैसे कि इसको दिखाता हूँ मैं, ये देख लीजिए इस तरीके से, ये देख लीजिए इस तरीके से काम करता है। ये बटन क्लिक हुआ, ये ऊपर हुआ, बटन क्लिक हुआ तब ये ऊपर हुआ, बटन जैसे कि ऑफ होता है तब ये नीचे होता है, इस तरीके से क्लिक होता है तो ऊपर होता है और ऑफ होता है तो नीचे होता है। तो ये वाला जो है एक्सीलरेटर के इस वाले पॉइंट को पकड़ लेता है, जिसके कारण से पूरा घूम नहीं पाता है या फिर यहाँ पर पकड़ता है। और यहाँ पर पकड़ने के बाद क्या होता है, ये स्प्रिंग तेज होता है, हल्का सा तेज होने के बाद ये यहाँ तक आता है तो पूरा पकड़ लेता है एक्सीलेटर को। जैसे आपका एक्सीलेटर का ये वाला पॉइंट ख़राब हो जाता है, घिस जाता है, जिससे एक्सीलेटर पूरा घूम जाता है, तो इसको क्लिक करने से जो है उसको पूरा घूमने से रोकता है। तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक बटन नहीं है, इसको जैसे निकाल दोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा,
और वैसे भी ये उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है जैसे थोड़ा दिन तक वर्क करता है नया प्लेटिना बाइक में, और जैसे बाइक पुराना हो जाता है धीरे धीरे करके ये काम करना बंद कर देता है, तो इसका कोई वर्क नहीं होता है वैसे बोला जाए तो। बाकी बस इसका वर्क इतना ही है कि इसको थोड़ा सा रोकता है, इसके बिना बाइक आराम से चलता है, ये वैसे भी काम नहीं करता है, कोई मतलब का नहीं है ये बटन। तो इस तरीके से इसको इस तरीके से काम करता है, ये देख पा रहे होंगे इस तरीके से। तो इसको फिर से हम लोग लगा देते हैं। अब इस बटन का वर्क आप सभी को पता चल चुका है, तो इसको आप निकाल करके मैं ऑन ऑफ स्विच जो लगाया था बाइक में उसको आप आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बटन नहीं भी रहेगा तब भी बाइक चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक भी परसेंट का फर्क नहीं आएगा आपकी बाइक में। तो दोस्तों अगर आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँ और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझा पाया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।